नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में हैं। तो एक जबरदस्त होटल में पहुँच गए। पहले आपको रूम दिखाता हूँ, बाकी की बातें बाद में। तो गाइस, यहाँ से हमारे रूम की एंट्री हो जाती है। तो पहले एक काम करते हैं, वॉशरूम से शुरू करते हैं। वॉशरूम का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। गोलू कुछ कह, स्पेशियस है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है और ये बहुत तो क्यूट सा बाथटब है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हम हैं और हम सोए नहीं, और यहाँ पे दबा के सोने वाला हूँ मैं। और यहाँ से फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, और बाहर जैसे ही मैं आता हूँ तो एक खूबसूरत सा रूम मुझे दिखाई देता है। और रूम में सब कुछ है, हम चलते हैं बालकनी में। अरे जो रूम की बालकनी है ना, वो बहुत ही लग्जरी बालकनी है, मतलब कि बहुत ही स्पेशियस बालकनी है। यहाँ ही बैठ के चाय वाय पियेंगे भाई। ओ वाह, यहाँ का व्यू देखना कितना खूबसूरत है गाइस। ये देखो, ये है व्यू यहाँ का। और आरती जी का तो कहा कि भैया मैं तो यहीं सोने वाली हूँ गैलरी में, और व्यू की तारीफ जितनी की जाए ना उतनी कम है। क्या बात है यार, मज़ा आया। चारों साइड वादियाँ ही वादियाँ। तो अभी मैं वहाँ पे था और अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, और खूबसूरत नज़ारा है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अंदर और कुछ चाय वाय पी लें। मैडम कुछ लेना आपको? तो मुझे लगता है कि हमें ना यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग की ज़रूरत नहीं है। गोलू इस पे लेट के दिखाई, एक बार पूरी आ जाती है इस पे। ओहो क्या बात है यार, ये तो मजेदार। मैं आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है, मेरी हाइट सबसे लंबी है। मतलब मेरे से भी लंबी? क्या बात है मैडम, देख रहे हो क्या बोल रही है। तो ठीक है, काम करना, आप दोनों वहाँ सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊँगा, ठीक है ना। और सामने की LCD बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें मैं देखने वाला हूँ अपना व्लॉग अभी चला के। गोलू व्लॉग चलाओ इसमें। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा सामान सेटल कर दिया ताकि रूम बिल्कुल भी मैसी ना लगे। तो गाइस, हमारा जो ड्रोन है ना बिल्कुल सामने है, और इतनी ऊंचाई पर गया ना, सामने जो छोटा सा बिंदु नजर आ रहा है ना, देखो मेरी उंगली जहाँ पर है, वो रहा हमारा ड्रोन। तो यहाँ पे आ गई हमारी मजेदार सी चाय, शाम की प्यारी चाय। इन खूबसूरत वादियों में हम पियेंगे अपनी चाय। गाइस अभी चाय पी नहीं, चाय पीने स्टार्ट कर रही थी तो मैं कुछ सोच रही थी। वैसे एक बात है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पे भी, आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, खूबसूरत से खूबसूरत जगह पे चले जाओ, पर अगर फैमिली साथ में नहीं होती ना तो डे बहुत इनकम्प्लीट लगता है। तो अभी मेरे को चीकू और पायल की बहुत याद आ रही है। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो? पायल को मेरी आवाज नहीं आ रही है, पर मुझे उसकी पूरी आवाज आ रही है। तेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही गोलू, बिल्कुल भी। कहाँ घूम रही है? मैं यहाँ चीकू को लेके आई हूँ, देख। अच्छा, नदी किनारे सारे आए हैं। अभी पायल से बात हुई, पायल ना वहाँ पे गई हुई है जहाँ पे चीकू के पापा हम सब पहले जाते थे नदी के पास, और वहाँ पे फुल बारिश की वजह से ना भाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नितिन भैया जैसे ही जा रहे हैं ना वो ऐसे बह रहे हैं। तो बस वो घर वापस आ रहे, क्योंकि वहाँ पे ना नहाना भी सेफ नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी सोच रहे हैं कि काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा ट्रैवल किया हमने। पहलगांव से गुलमर्ग का जो ट्रैवल था ना काफी लंबा था, रास्ते में नींद प्रॉपर नहीं आई। इंसान सो तो जाता है गाड़ी में, बट वो नींद नहीं होती। ट्रैवल करने के बाद मैं सो गया था और अभी उठा हूँ, और थोड़ी देर में नीचे जाएंगे डिनर करने। और सामने का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये व्यू है, आप देखिए कमाल का व्यू, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर हमारी आरती मैम बैठी हैं और नाखून काटे जा रहे हैं भैया, साफ सफाई संडे फंडे किया जा रहा है। अब ब्रोक माय नेल बाय मिस्टेक, टूट गया। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, शावर लेके नहा धो के बहुत अच्छा लगा, 2 घंटे की नींद पूरी कर ली, थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ गई। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ हमारा होटल में डिनर है तो वो भी कर लेंगे। तो गाइस, मैं घर से जैकेट लेके नहीं आई थी क्योंकि जैकेट डालने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने एक शॉल डाल ली थी। और अभी बाहर बहुत ठंड होगी और मैंने पहना है स्लीवलेस, क्योंकि यही बहुत कंफर्टेबल है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जीन्स पहनने का, तो साथ में ले ली मैंने शॉल, अगर ठंड लगेगी तो वैसे ओढ़ लूंगी। बहुत ही सुंदर व्यू है इस गैलरी का, और मैं सोच रहा हूँ कि एक इंस्टाग्राम की रील बना दूं यहाँ पे। तो भाई मैंने अपना सूटकेस ले लिया, इसमें डाल दिया शॉल और कैश, और अब निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो गाइस, ये सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। ये सामने रिसेप्शन है और इधर एक बहुत ही क्यूट सा काफ़ी स्पेशियस सोफा है, मतलब यहाँ पे ना पक्का मैं बैठ के ना कुछ वीडियोस बनाऊंगी। और इस साइड है हुक्का लॉन्च, और इधर है फोन हाउस फोन, मतलब आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और इंटीरियर इतना ब्यूटीफुल है ना इस होटल का। और जो मेरे सामने जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पर ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों है,
और काफी स्पेशियस है, काफी ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर। तो दिस इज द व्यू ऑफ हुक्का लॉन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब हर एक चीज बहुत खूबसूरत है, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। और इसके अगर मैं आगे जाऊंगी तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप बैठ सकते हो और सामने कश्मीर का कल्चर बता रहे हैं ये वॉल, क्योंकि यहाँ पे है कश्मीर की जो फेमस शॉल्स होती है वो है, साथ में कुर्ता है, ये जो है गरम कुर्ती है। मतलब तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये जो वॉल है ना बहुत ही प्रिटी है। और एक बात बताऊँ, मुझे जो इस होटल की सबसे बढ़िया बात लगी ना, वो ये लगी, ये जो सिटिंग वाला लॉन्ज है, मतलब कि ना कश्मीर में और कसौल में, जैसे कि मैंने बताया है कि दोनों साइड ना ये जो लॉन्ज है ना, ऐसा बैठने वाला होता है, बैठने वाला जो सिस्टम होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इस साइड आई थिंक वॉशरूम है, और एक ये एरिया है ये टी कॉफ़ी के लिए, कि अगर आपको किसी को टी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, तो आप इस एरिया में जाकर पी सकती है। एंड अगर मैं टी कॉफ़ी वाले एरिया से आगे जाती हूँ ना, तो यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे आपको कश्मीर का कल्चर मिलता है, शॉल्स है, कुर्तीज़ है, एंटीक सामान है, बहुत सारा एंटीक सामान है, तो आप कुछ भी बाय कर सकते हो घर के लिए। तो अभी मैं अंदर जा रही थी, खोल रही थी कि मैं ट्राई कर रही थी इसे ओपन करने का, बट दिस शॉप इज क्लोज, तो मैं इसका जो सामान है ना वो कल आपको एक्सप्लोर कराऊंगी। बट बहुत ही सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस है कश्मीर की, मुझे इन सबका नाम नहीं पता क्योंकि मैं अभी गई नहीं फर्स्ट टाइम है, बट बहुत अच्छी लग रही है सारी प्लेसेस, और होपफुली हम सारी के सारी जो प्लेसेस है ना विजिट जरूर करें। और जो मैंने कावा पिया था ना, वो सामने से पिया था, बहुत ही अच्छा कावा था, मेरा मन कर रहा है दोबारा पीने का। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाले जो एरिया है ना, इसमें डिनर करने के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत होटल है तो खाना भी पक्का बहुत ही टेस्टी होगा। गाइस अभी मैं अपने होटल से निकला था और मुझे कुछ चिकन खाना था, और मैं आया हूँ एक जबरदस्त होटल में, और होटल का बोर्ड आपको नहीं दिख रहा पर भाई दिख रहे हैं। दादा क्या नाम है अपने होटल का? बंटी शर्मा, होटल का नाम है नीडोस होटल। तो बहुत ही जबरदस्त होटल है और मज़ा आ गया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं होटल की तरफ, और सुबह उठेंगे और थोड़ी सी राइड वाइड करना है, थोड़ा एडवेंचर करना है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। अरमान जी को मिलके हमको भी बहुत बहुत मजा आया, पहली बार कश्मीर आए अरमान जी, और जहूर मैंने इनकी सर्विस की थी, जितना मजा हमको आया अरमान जी, कृतिका जी और आरती जी से मिलके कश्मीर में, इतना प्यार मिला इनसे, हम भी हैरान। नहीं नहीं, हम भी बहुत हैरान थे और बहुत अच्छा लगा, और लगा ही नहीं कि हम कश्मीर में, हमें लगा कि भैया हम अपने चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। नहीं मैडम, तीन दिन में सबसे अच्छा आज ही लगा बंटी जी से मिलकर, इनकी सर्विस देख के। सीरियसली दिस वॉज द बेस्ट टाइम इन लास्ट थ्री डेज। अब हम, हमारी तरफ से, नीरोज की तरफ से, जहूर और मेरी तरफ से, हम आप तीनों को इनवाइट कर रहे हैं विंटर में गुलमर्ग आने के लिए, और एक बार हमारे साथ बर्फ में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, और चीकू के साथ बिल्कुल स्नोबोर्डिंग, चीकू को स्नोबोर्डिंग और पायल जी को स्नोबोर्डिंग हम सिखाएंगे। बिल्कुल पक्का पक्का, ठीक है दादा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी जब पायल चीकू आएंगे ना, तो और ज्यादा फन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि विंटर्स में जितना फन हम करें ना, मैम बर्फ कहाँ तक होता है? यहाँ तक 15 feet हम आपको स्कीइंग दिखाएंगे, और ऐसा गुलमर्ग जो आप दुनिया में देखोगे नहीं। थैंक यू सो मच, आपने मतलब एकदम फैमिली वाला ट्रीट किया, और लव यू आपको बहुत ज्यादा और भाई को भी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर आ गया है डिनर, और डिनर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। और यहाँ पे गोलू खा रही है पास्ता फुल दबा के, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गुलाब जामुन है जो मेरे फेवरेट है, और यहाँ भी गुलाब जामुन है, यहाँ पे दाल है, आलू गोभी है, आलू गोभी है, रोटी है, ग्रीन सैलेड है, ग्रीन सैलेड है, दही है, दही, और यहाँ पे देखो छाछ है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। छोटा सा था ये एक इंट्रोडक्शन था, होटल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं? स्टाफ, होटल का नाम खैबर है, एंड दिस होटल हैज मोनोपोली, 7 star है, एंड आई एम नॉट शोइंग ऑफ, होटल सच में अल्टीमेट है, दिस होटल डिजर्व 7 stars। मजा आ गया, लवली स्टाफ, लव दिस स्टाफ, वेरी स्माइली स्टाफ, दिल खुश हो गया। तो आज कल लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, सेफ रहें।